मेरी एक चाहत रही है बचपन से बाय बर्थ कि मैं सरू फॉर यूथ, मैं कुछ करूं यूथ के लिए। मेरी एक तड़प थी कि मैं अपने यूथ के लिए, खासकर अपने जवानों के लिए, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए एक कोशिश करूं। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं अपने जवानों के साथ शाना बशाना शाना खड़े होके इनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए काम करूं, यही मेरी तमन्ना थी। आज मैंने अपने छोटे तरीके से, जो मेरा एक बिजनेस यूनिट चल रहा है रेडवे, रेडवे के नाम से मैं एक यूनिफॉर्म सेट दे रहा हूँ दो टीमों को, ताकि इसका जो दूसरा सेंटर फुटबॉल एकेडमी स्वाइटिंग जो चला रहे हैं इरफान साहब और दीगर दोस्त, मैं इनको अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ, ताकि हमारे इस एरिया को हमेशा सियासी नज़रअंदाज किया गया है, पॉलिटिकल यहाँ पे पॉलिटिकली तौर इनको यूटिलाइज किया गया हमारे यूथ को। ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये कोई सियासी इवेंट नहीं है, बल्कि हमारे यूथ के लिए एक मुस्तकबिल फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि एज अ सोशल एक्टिविज्म, इसको कहते हैं सोशल एक्टिविज्म की हैसियत से मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी यहाँ पे, जो यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल है, वहाँ तक भी हम जाएंगे इंशाल्लाह। इन यूथ के साथ इंशाल्लाह इस ग्राउंड को हम इंशाल्लाह हमवार करना चाहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप इस ग्राउंड की तरफ से थोड़ा बहुत सीन उठाइए, इस ग्राउंड को आप दिखाइए मीडिया के ज़रिए से, ताकि स्पोर्ट्स काउंसिल की आंखें खुल जाए कि इस इलाके को क्यों नज़रअंदाज किया गया है। यहाँ की यूथ भी चाहती है कि हम आगे बढ़े, यहाँ की सोसाइटी के यूथ भी चाहते हैं कि हम मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पे अपना लोहा मनवाए, लेकिन इनको नज़रअंदाज क्यों किया गया, इसका हम इनका हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। और मैं अपने जवानों को फिर से एक बार यकीन दहानी करता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी।